भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्णिया के थाना चौक के समीप विपक्ष के रवैये के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शरीक हुए, जबकि बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधि भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दरमियान बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष के नेताओं द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उसी बातों को बताने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश के आलोक में एक दिवसीय उपवास पूरे देश में किया जा रहा है। पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ अनशन का आह्वान भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अमित शाह जी के आह्वान पूरे देश में अनशन का आज एक दिवसीय अनशन का कार्यक्रम रखा गया। और लोकतंत्र बचाओ, यह जो लोकतंत्र है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, कुल सांसद, सारे लोग क्षेत्र में जा कर के जनता के लोकतंत्र, ये जो जनता है उसके बीच में जा कर के इस लोकतंत्र के अंदर जो पार्लियामेंट चलती है उसके अंदर जो गरीबों के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी देश कल्याणकारी योजनाएं थी जो बिल पास होना था, उस बिल को नहीं पास हो देने से इस देश के विकास को अवरुद्ध करने का काम इस विरोधी कांग्रेसी सरकार एवं सारे लोगों ने मिलकर किया है। इससे देश को बहुत बड़ा क्षति पहुंचता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हमारे जितने भी सांसद हैं वो इस चले हुए जो बजट सत्र का जो आंशिक बजट सत्र था इसमें अपना जो है वो वेतन नहीं लेंगे, कोई सुविधा नहीं लेंगे, क्योंकि इस पर लाखों करोड़ों खर्च होता है, तब जाके पार्लियामेंट चलती है और देश के लिए कोई कल्याणकारी बात होती है। इसलिए देश के सारे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सबों ने अपना वेतन को छोड़ा और देश के लिए एक नया पैगाम दिया है कि देश को जनता को बताने के लिए हम लोगों को भेजा है कि आप जाइए जनता के अदालत में जाइए, जनता जो लोकतंत्र है उसको बताइए कि आपने जिसको जिनको भेजा है वो लोग क्या कर रहे हैं। विरोधियों का जो है नींद हराम है कि 2019 में उनका जो है खात्मा होना है, इस तरह से देश को विखंडित करने का काम करना का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, प्रदेश में और पूर्णिया मुख्यालय पर भी कर रही है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिला से सभी मंच मोर्चा और भाजपा के समस्त कार्यकर्ता, महिलाओं की बड़ी संख्या, एससी और एसटी, जो जनजाति और जो अनुसूचित जनजाति और जाति है उसके भी हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस धरना पर बैठे हैं। और आज के दिन मैं स्वयं और जिलाध्यक्ष के साथ कुछ और प्रमुख लोग हम लोग उपवास में थे और उपवास इसलिए किए हैं कि उपवास करके भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, लोकतंत्र की हत्या करने वाली ये कांग्रेस पार्टी जो है, लोकतंत्र को छिन्न करने वाली ये कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के जो दल हैं, इनको भगवान सुबुद्धि दे ताकि देश में जो कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए चलाई जानी है उसको ये लोग चलने दें, लोकसभा को बाधित न करें, मर्यादित रह करके अपनी भूमिका का निर्वहन करें। लेकिन ये लोग छोला भटूरा खा करके, उपवास करके, चाल चरित्र और चेहरा जिसमें कोई इनका समानता नहीं है, ये जो बताना चाहते हैं पूरा देश इनको देख रहा है, इनकी कार्यगुजारी को देख रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो कि जन जन कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना को लाया है और लोकसभा में ऐसे बहुत से प्रस्ताव जो आम जनता के लिए लाभकारी थे इनके सांसदों ने उसको बिल में विघ्न करके और न चलने दे करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, लोकतंत्र की हत्या की है। इसके लिए आज हम सब यहाँ धरना पर बैठे हैं और इस धरना के माध्यम से जनता को ये बता रहे हैं कि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ चाहे वो जनता दल हो, चाहे आरजेडी हो और चाहे महागठबंधन के जो भी दल है, इनके चाल चक्कर चेहरा को देखिए। और एनडीए की सरकार, इसमें जदयू भी है, भाजपा भी है, ऐसे बहुत से दल हैं
वो कल्याणकारी योजना और गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। राशि मिलती है, हमें जो तनख्वाह मिलता है हम नहीं लेंगे। और मैं भी आपके माध्यम से आज ही कहना चाहता हूँ, बिहार में भी विधानसभा को ये जो भंग करते हैं और विधानसभा को जो बाधित करते हैं, चलने नहीं देते हैं, जनता की योजनाएं बाधित होती है, मैं भी मांग करूंगा स्पीकर से, राज्यपाल से और राष्ट्रपति को लिखूंगा, बिहार में भी विधानसभा जब तक नहीं चले उस समय भी विधायक को तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा भी मैं लिखकर पत्राचार करूंगा और मांग करूंगा।